गुड इवनिंग है सर, लगता है कि इंटरनेट सर्विस भी करप्ट माफिया की दस्तरस में है, डिसरप्ट कर देते हैं जब भी कोई करप्शन से मुतालिक बात शुरू करता हूँ। बहरहाल ये है कि मैं बता रहा था कि फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में पिशावर में एज मॉनिटरिंग ऑफिसर करप्शन को हैंडल करते हुए मुझे क्या सूरत हाल पेश आई। करप्ट जो है नैब ने गिरफ्तार भी किए और दोबारा बहाल भी कर दिए डील के बाद, और मैं अभी तक जो है तो ऑफ ड्यूटी विदाउट सैलरी मॉनिटरिंग ऑफिसर 2-3 साल खड़े हो गए, घर पर ही रहता हूँ। बस ये एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की पार्ट टाइम ड्यूटी है, ये करता हूँ, लेकिन इसका भी तो कुछ रिटर्न तो तनख्वाह वनख्वाह तो देने के कायल नहीं है। बल्कि मेरी तो पिशावर ब्यूरो से बात हुई थी परसों, तो उन्होंने कहा कि ब्यूरो चीफ, उन्होंने कहा कि मुझे हदायत थी इन लोगों से मुफ्त में काम। जी वो गरीब लोगों के हाथे पाकिस्तान चढ़ गया है। अगर आप तालीम याफ्ता हैं और जेन्युइनली एजुकेटेड हैं और सब ठीक है आपके साथ, फिर ये करप्शन माफिया आपके पीछे पड़ जाती है। और चूंकि करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, बाकायदा करप्शन इदारा बन गया, आप खुद सोचिए। और कि एक मुल्क में अगर डील सिस्टम शुरू हो, कोई भी ऑफिसर अगर पकड़ा जाता है, कोई सियासतदान पकड़ा जाता है करप्शन में, तो आधे पैसे नैब को दे के फिर बादशाहों की जिंदगी आधे करप्शन के रख लेते अपने पास। ऐसे सिस्टम में, ऐसे सेटअप में हम लोग क्या जो है तो कर सकते हैं कि बेहतरी आए। और किस तरह लोगों को तहफ़ मिले, करप्ट लोग तो किसी को तहफ़ नहीं दे सकते। करप्ट प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है कि आपका जमीर मुर्दा हो, तालीम ना हो, उसके पास डिग्री हो तो चेहरी होनी चाहिए, या रशिया से डिग्री ली हुई हो, या किसी ऐसे मुल्क से जहां पर के इखलाकियात का कोई तसव्वुर नहीं। तो ये भी मैं वो सेंसिटिव इदारों की थोड़ी सी मदद कर दूं कि रशिया से भी प्लांटेड आप यूँ समझ लें कि जिन जो बच्चे गए थे आज से कई डेकेड पहले और अब बड़े होके वो बड़े बड़े वो तो फाइल्स हैं, रशिया से डिग्रीज ली हैं जिन्होंने, वो आप यूँ समझ लें कि फिर वो रशिया के प्लांटेड लोग थे। उनकी अखलाकियात हमारी अखलाकियात से बिल्कुल जुदा है। वो महकमे के सरबराह होते हुए भी यहाँ के कवानीन को नहीं मानते, नहीं उनको मानते। सियासतदान हजरात जो अभी कसूर के वाकियात जिस तरह के रद्द अमल की तरफ बढ़ा रहे हैं कौम को, वो अपनी जगह एक और परेशान को मसला है। चाहिए तो ये था कि ये प्रॉब्लम पार्लियामेंट में डिस्कस होता और फौरी तौर पे वहां पर एफिशिएंट और मेरिट पे जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं अभी भी हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है कि आर्मी का इदारा क्लीन है और बहुत इंटेलिजेंटली ये चीजों ने कुछ स्टेप्स लिए पंजाब के अंदर।
काफी सारे सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो आर्मी का अपना कोटा होता है, तो वो पुलिस सर्विसेज में पंजाब के अंदर मौजूद है जहाँ पर कि ये मसला शुरू हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है पंजाब का जो चीफ है पुलिस का वो उसी तरह का कोई फौजी है, फौज से आया हुआ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मैं देखता रहता हूँ उनके बारे में कौन काम क्या करना। तो ये तरक्की जा सकती है कि वो फौरी तौर पर कसूर में ऐसे ऑफिसर्स तैनात करेगा जो कि मेरिट पे आए हुए होंगे और जो इस मैनेज को चाहे हिंदुस्तान की तरफ से एक्टिविटी हो रही है चाहे अफगानिस्तान की तरफ से लोग कसूर, क्योंकि सरगोधा में कल एक और बार क्या हो, 15 साल लड़की किया अंग्रेजी करके उसे मर्डर करके फेंक दिया। सरगोधा तो पहाड़ की तरफ बहुत ही सेंसिटिव हो गया, वहां पर तो हमारा एयरबेस है और इस तरह के लोग कैसे वहां पर हाई सिक्योरिटी जोन में घुस कर कैसे कोई वारदात कर सकते। जगह परेशान कुन मसला है कि हाई सिक्योरिटी जोन्स भी अब इतने सिक्योर नहीं रहे, और सबसे बड़ा सोचने की बात यह है कि बच्चियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। कोई ऐसा जुनूनी है जो कि इवन जीनियस समझ लें कि वो पुलिस और इंटेलिजेंस सर्विसेज के रेंज से भी बाहर है और मुसलसल वारदात कर रहा है, उसको रोकने वाला नहीं। चीफ ऑफ पुलिस है पंजाब के कुछ इकदाम उठाए और सियासतदान हजरात जो है वो कोशिश करें कि इस मसले का हल जो है, तो जो अभी जो प्लेटफॉर्म से आप इमरान भाई के बारे में कह रहे हैं सारे उनके मुखालिफ कि ये 6 बार सिर्फ गए हैं पार्लियामेंट में हाजिरी लगवाने और 6 करोड़ से ऊपर तनख्वाह ली, 6 करोड़ रुपए से ऊपर तनख्वाह ली है सिर्फ 6 बार पार्लियामेंट में हाजिरी लगाई है पिछले 4 साल 4 साल। और खुद यहाँ पर जो इन्होंने जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स है यहाँ, खुद भी मैं इस तजुर्बे से गुजरा हूँ कि लेट करवाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट देते नहीं है सरकारी, और जैसे ऑफिसर्स को पहाड़ से वो पिशावर ट्रैवल करना होता है डेली, दरमियान में ट्राइबल एरिया है, वक्त पर अक्सर जब आर्मी की तरफ से कोई व्हीकल इनफॉर्मली मिला हुआ होता है या पेमेंट तो हम लोग करते हैं लेकिन हमारा ये है कि वक्त पर पहुंचाते हैं, लेकिन दीगर तो कोई गारंटी नहीं होती कि कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं, कोई व्हीकल हाइक किया हम लोगों ने रास्ते में वो अपनी स्पीड से अपने हिसाब से चलते हैं और अक्सर लेट भी हो जाते हैं इंसान, तो फिर वहां पर जो है तो करप्ट माफिया बैठी हुई है वो आपके तमाम अच्छाइयों को नजरअंदाज करके, आपके तमाम बेहतरीन कामों को नजरअंदाज करके आपके एक इस पॉइंट को कीजिए आप तो 3 मिनट आज लेट हो, नो मैटर आप कितने बड़े ऑफिसर हैं व्हाट सो एवर, लेकिन वहां पर कुछ चल रहा है ऐसा है जो कि आपकी औकात से बाहर जाएगा और जी हकायक है उनको नजरअंदाज करते हुए तरह का वो, यानी महकमों में जितनी भी गुफ्तगुशुरी होती है वो तहरीरी तौर पर होती है कि से फॉर एग्जाम्पल एक टॉप ऑफिसर जो है वो लेट आ गया तो उससे भी ऊपर बड़ा बैठो है दौर में बैठो कोई उसे इन राइटिंग एक्सप्लेनेशन कॉल करे या बिहार क्यों लेट हो, यहाँ पर तो नीचे का कोई आदमी नोट किया जाए और वो आके अपनी गुस्ताखाना तर्ज अमल जो है, और असल बात ये होती है कि करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और वो
कोशिश करते हैं कि किसी तरह से कोई ऑफिसर गुस्से में आके पंच मार दे किसी को। मैं सच्चा वाक्य आपको सुना तो मुझसे पहले जो फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एक खातून थी प्रोटेक्शन ऑफिसर मेरी पोस्ट पर थी मुझसे पहले और एक ब्रिगेडियर की बेटी है। अब वो शी वॉज ब्रिलियंट, उसको ये डिफीट नहीं कर सकते थे। क्या किया कि एक बंदे को बैठा दिया, मामूली सा आदमी था कोई, उसने बहस शुरू कर दी और बकवास की। तो अब खातून जो है तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मोबाइल फोन उनके हाथ में था, वो सामने जो बैठा हुआ बंदा बकवास कर रहा था उसको जड़ दिया सर में। बस जनाब ये बात काफी थी, डायरेक्टर जनरल साहब ने ऑर्डर कर दिए कि लड़ाई करती है चाहे तालीम जितनी भी हो हमें कबूल नहीं। क्योंकि मॉनिटरिंग का अहदा होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के भी, हर चीज पे नजर रखनी होती है, काफियत भी थी, तो वो ये होता चाहते ही नहीं थे। मैंने ज्वाइन किया तो यही सिलसिला था कि अगर कोई कोशिश कर रहा था कि प्रेसिडेंट सेट करनी थी, डायरेक्टर जनरल जो था वो रशिया से डिग्री ली थी, तो ट्रेडिशन उन्होंने सेट कर दी थी कि बस गुस्सा दिलाओ और अगर गुस्से में आ गया तो अगर लड़ पड़ा तो बस फिर तो ऑलरेडी ये प्रेसिडेंट सेट कर दी गई है कि ये तो रहने वाला है। और तो वो खातून बेचारी इस तरह से गई, मैंने तो खैर गुस्से को कंट्रोल में रखा, लेकिन ये है कि फिर लिमिट होती है हर बात। तो ये जो साहिबान बहुत इसरार कर रहे हैं कि आएं और दोबारा ज्वाइन करें, मेरा सब कुछ जो है ना वो रिटन वर्ड्स पे होगा। जो साहब कह रहे थे मैंने उनको कह दिया कि भाई मैं इंटीमेट कर चुका हूँ डिपार्टमेंट को, 15 नवंबर को मेरी डेपुटेशन एंड हो गई 2013 नवंबर 2013। फॉर द रिटन ऑर्डर्स भाई मेल भेज दो जैसे भी करते हो, मैं जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन अगर तुम ये कहो कि मैं उधर आऊं और तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करूंगा, तुम्हारी बदमाशियां बर्दाश्त करूंगा, तो ये नामुमकिन। और गवर्नर साहब में अगर इतनी सख्त है कि वो ये इस तरह के साजिशी लोगों को हटा के सूबे की बेहतरी के लिए, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो मिल गई है बड़ी, अब इस प्रोविंस को चलाने के लिए भी तो आपके पास बंदे होने चाहिए। और जो लोग ये झूठे दावे कर रहे हैं कि जी मैं तो वो हूँ सियासत से अलग किया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट को, ये बहुत घोषे हुए होते हैं पुलिस में, इमरान भाई यहाँ आके दौरे करते रहे पुलिस अकेडमी के, यहाँ हमारी पुलिस लाइन से हर जगह हर जगह उनके अपने आदमी बैठे ऐसे ही झूठे डाले ऐसा भी करना नहीं चाहिए। वो पता नहीं क्यों करते हैं उस मसरत की, अगर पुलिस ने बेहतरी है तो बहुत एक अरसे से ये बिल्कुल यूरोप की पुलिस की तरह ही है, कोई ऐसे नहीं करते। पंजाब पुलिस में और मसरत पुलिस में सभी मुझे जो रिपोर्ट वहां पर मिलती थी पंजाब पुलिस के बारे में, मसरत में तस्वर भी नहीं किया जा सकता कि इस तरह की कोई हरकत पुलिस को होता है। हमारे यहाँ एक इलेक्टेरियन सोसाइटी है, लोग सबके पास लाइसेंस और बिल्कुल अमरीका की तरह है मसरत। यहाँ पर एक सबसे बड़ा दुनिया का राइफल क्लब जिस तरह अमेरिका है इस तरह यहाँ भी है, हर कोई अपनी प्रोटेक्शन खुद भी कर सकता है। हमारी सकाफत ऐसी है जिसमें कोई उस तरह का सोच भी नहीं सकता जिस तरह के वाकया पंजाब में होते हैं दीगर सूबों से रिपोर्ट हो रहे हैं, सबसे खास तौर पर पुलिस वाले लेट इन द इवनिंग डाकू बन जाते हैं, कई बार पकड़े भी गए हैं। ये इस तरह की चीजें यहाँ नहीं होती और पहले से नहीं हो रही है। इसमें इमरान भाई का कमाल ये होगा
कि वो पार्लियामेंट में बैठ के अपना काम सही तरीके से करें, इश्यूज को रेस करें, प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करें कश्मीर में क्या हो रहा है, और ये उनकी ड्यूटी है। और अगर वो ऐसा नहीं करते और वो कहते कि मैं 18 तारीख को जाके तैयारी शुरू करने वाला हूँ, तो वो जाने और उनका काम जाने, जो भी उनके साथ अलाउ जो उनकी मशीन है वो अगर ये समझते हैं कि वो इमरान भाई को इस तरह से मुश्किल सूरत हाल में डाल के, जाहिर है कि इस तरह की चीजें तो अडियाला जेल की तरह की बातें बोलेगी जाती। मैं आपको इमरान भाई की जो मेरे साथ लिंक की है, फेसबुक फ्रेंड है मेरे, तो मैं मजीद आपको बताता हूँ कि जब मेरे साथ ये हुआ, नोटिस जारी कर दिया गया साहब जबरी छुट्टी और बगैर तनख्वाह किए, तो मेरे पास कोलीग्स ने कहा कि चलो तहरीक शुरू करते, क्योंकि खाली मैं नहीं थे, 24 और भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, जो एक कानूनी रास्ता है वो बता, मेरी तो ये पोस्टिंग ही जबरदस्ती की गई थी, मुझे अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मास्टर्स करके मैं कबायली एरिया को संभालता मिलू, ये ऑलटुगेदर टू डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन बहर अल्लाह ताला ने मुझे उस तौफीक दे दी थी सलाहियत के तौर पे, तो वो मैंने किया है। और जो वाकई सही लोग थे वो मुझे कहते थे कि कबायली इलाके के लिए 200 साल तक किसी ने इतना नहीं किया जब आपने किया। ये अलग बात है कि वहां पर कुछ लोग ऐसे थे कि वो कहते थे कि इस बात का क्रेडिट हम लेना चाहते, और उन्होंने बड़ा हंगामा खड़ा किया, बड़ी अजीब और गरीब हरकतें। तो मेरे घर नहीं कोई तहरीक नहीं, मुझे तो वैसे भी गवर्नमेंट साहब ने जबरदस्ती लगाया था, और दो तो जॉब्स कौन करे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जॉब को, वहां पर भी मैं सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, जब मेरी यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज्म में कोर्स किया, और ऑलरेडी एम फिल किया हुआ है, अगर पी एच डी मेरी अभी कम्प्लीट नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो है तो तो वही है साथी गुलामी वाला, कि इमरान भाई के साथी गुलाम है आप या नवाज शरीफ के साथी गुलाम या किसी और पार्टी के साथी गुलाम है किसी बड़े सियासतदान के, फिर तो हुकूमत में आपकी जगह है। सीएसएस भी सारा रिकमेंडेटरी बेसिस पे है, वो सारे पहले जितने भी ऑफिसर्स हैं वो पहले रिकमेंडेशन दाखिल करवाते हैं सियासतदानों दीगर इन्फ्लुएंशियल्स की। ऐसे पाकिस्तान के अंदर मेरिट नाम की चीज हो ही नहीं है, अगर होती तो आज पाकिस्तान सुपर पावर बन चुका होता, बल्कि इससे भी एक हाथ आगे होता है, जितनी हमारे लोगों में सलाहियत है। ये सारी चीजें लैकिंग है, तो अब ये खतरा है जिसको हम, मैं कम अज कम जो मेरे पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ऐसे में इमरान भाई को दीगर पॉलिटिशियन से भी कादरी साहब से मेरे साथ मुलाकात की है, बहुत कठिन बच्चे होते थे तो ये एक बार तस्वीर बस इनको समझाना ये है कि जब केसेस सारे अदालत में है तो बस अदालत के फैसले का इंतजार करें, और कोई हंगामा आराई मुल्क तोड़ना और ब्यूरोक्रेसी के हमले करना और इनकलाब, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगलिया साफ कर रही है, खुद इस बात को मानते हैं शरीफ नहीं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन अब वो जब वो कला के साथ मिलके बैठे तो आवाम के सामने तो वो कुछ भी कह दें, वाह करके बेचारे वो क्या आवाम को क्या बताएंगे, दो नौकरियां बंद नहीं कर सकते, या आप वजीर आजम रहेंगे या दुबई की किसी फार्म के मुलाजिम रहेंगे। यही असूल आइन में सदर के इंसाफ के लिए भी दर्ज, तो दीगर वजरा के लिए भी, तो अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि दो दो मुलाजमतें करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की पकड़ में तो आ ही जाता, ये रहना ही नहीं बात है।
दो मुलाजमत अब वो वकला के सामने उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वेलफेयर स्टेट न बना के मैंने बड़ी गलती की है कि मैं बहुत इतना अमीर बंदा होकर अदालतों के खर्चात बर्दाश्त नहीं कर सकता वकला के गरीब लोगों का क्या हाल हो रहा है। और ये हम बार बार 19 साल से तहरीरों में कह रहा हूँ कि भाई असल काम जो है आइन उठा के देख लें। पहले 13 आर्टिकल्स आपके बुनियादी हकूक के जो आपने खुद भी लेने हैं और अपने फेलो सिटीजन्स को भी देने हैं जब आप इक्तदार में आ जाए और उसमें सबकी भलाई है। और वो बुनियादी हकूक जब आप देंगे तो आपकी रियासत एक वेलफेयर स्टेट और दुनिया में आपकी इज्जत और वकार में बहुत इजाफा होगा। आपकी मईशत जो है वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगी। मुल्क के लोग वफादार होंगे और हर तरफ अमन अमान होगा, खुशहाली होगी। 19 साल से ये बात अगर किसी सियासतदान को समझ ना आए और मेरी लिखी हुई तहरीरों को अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए यही सियासतदान दोहराते रहे और फिर इलेक्शन कैंपेन के दौरान और फिर उन पर अमल न करें बनने के बाद, आप खुद सोचिए कि मेरे क्या तासुरात होते जब मुझे इस तरह ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया गया था कि आप एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के करेस्पॉन्डेंट तो है लेकिन 10 साल की बकाया सैलरी जो है वो हम नहीं दे रहे आपको, हमें तो डायरेक्टिव्स हैं कि आपसे मुफ्त काम किया जाए। ये मैं पूछना भूल गया मेरे चीफ से कि ये सिर्फ मेरे बारे में हिदायत है कि बाकी सब के बारे में, किस तरह की गहराई हरकत है और कितना बुरा फेल है। ऐसे लोग अभी तो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए जो इस तरह पाकिस्तान को बेगार कैंप बनाने में तुले। मेरे साथ फैमिलीज हैं, फैमिलीज हमारी अपनी फैमिली भी हमें सपोर्ट करती है। तो अगर आपकी बच्ची है बीवी है इवन इंसान तनहा इंसान भी किसी के आगे हाथ फैलाना तो पसंद नहीं करता। तो काम काज जाहिर है अपनी तालीम के मुताबिक कोई पोजीशन मिली हुई होती है उसकी सैलरी मिलती है, अगर उसने वो बंद कर दिया जाए तो, और ये एक बड़े पैमाने पे होगा। एक सियासी पार्टी जिसमें उसकी जॉब के साथ यही उसे ऑफ ड्यूटी कर दिया था, वो जाता था तो फिर उसकी शर्त करते थे। तो ये एक पूरी इस नई सियासी पार्टी का ये चौधरी है फवाद चौधरी है उसका पीटीआई का वो ये कह रहा था। चूंकि यहाँ सुबह शरद ने ये खुद मेरे साथ हुआ बहुत ही निचले दर्जे के आदमी ने मुझे कहा आपकी ईमानदारी और उसकी जरूरत है और डायरेक्टर का मैसेज दे रहा था वहां जिसको ऑलरेडी हमने इंटीमेट कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आ रहे हैं कि
तरह के लोगों को यदि पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नोटिस लें और ऐसा कोई करें करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई तो होगी। कल आजम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट को खुदकशी, छोटी बच्चियों के साथ रेप के बाद क्या गरीब को भड़काने के लिए, क्या हम लोग, क्या पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ हैं? अगर भुट्टो ने कुछ स्टूडेंट्स के मरने के बाद तहरीक शुरू की तो हर बंदा तो भुट्टो नहीं बन सकता ना, और उस जमाने के हालात कुछ मुख्तलिफ थे। भुट्टो साहब ने बड़ी प्रैक्टिस की थी, मैं आपको बताऊं, वो निक्रोमा एक अफ्रीकन पॉलिटिशियन था जो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर था। तो भुट्टो साहब बाकायदा वो उसकी तकरीरें, वीडियो जो रिकॉर्डिंग्स थी वो सुनते थे और उसको कॉपी करते थे। भुट्टो साहब ये जो जुर्म में इस तरह बाल दिखा के वो चीखते थे कि ये करेंगे और वो करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी को बहुत पसंद होती है ये बातें। आम आदमी जिसकी इतनी तालीम नहीं है वो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हो या दूसरा पढ़ा लिखा बंदा बात कर रहा हो, चाहे उनकी अपनी जबान में भी बात कर रहा हो, तो वो उनकी समझ से बाहर होती है। अमरीकी स्टैंडर्ड्स अलग है, वहां पर तो एफएससी तक, हाई स्कूल तक, एफएससी तक, हाई स्कूल तक तालीम मुफ्त है, बच्चों को दूध और खाना भी दिया जाता है स्कूल। तो वहां पर तो प्रेसिडेंट की बात हर कोई समझता है, यहाँ पर इतनी एजुकेशन किसके पास है कि वहां हम लोग भी बात समझेंगे? तो वो भुट्टो साहब ने अवामी जबान सीखी और उस तरह से वो उन्होंने फिर बहुत बड़े पैमाने के लिए बनाया लोगों को। उससे पहले की जो रिपोर्ट है भुट्टो साहब के बारे में ठीक नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो ये यहाँ की हकायक है सियासत की। हम लोगों की तो ट्रेनिंग ही ऐसी है, हम लोग किसी से मुतासर वगैरह नहीं होते, न किसी से डरते हैं। तो बस यही है, वो हकायक है जिन पे मुझे अगर बार बार ऐसी पोस्ट मेरी तरफ भेजी जाए, मैसेजेस किए जाएंगे जी, तो जब मैं रिस्पांस दूंगा तो वो तो इसी तरह से ही होगा। रिटर्न रिस्पॉन्सेज तो मैं दे नहीं सकते, मेरे एक प्रोफेसर हैं, उनकी इसके साथ मामूली सा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग तो सेंसिटिव लोग हैं, हम अपने संसद बहुत ही ख्याल रखते हैं, इंतजाम करते हैं, जितने भी रिस्पॉन्सेज दे रहा हूँ वीडियो भी दे रहा हूँ। एक डेवलपिंग कंट्री को जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, इनको अमन की अफादियत समझाना कि जी अगर आप अमन से रहेंगे, और अमन से रहना जरूरी इसलिए है कि पड़ोस तो एक आम आदमी तो चेंज कर सकता है, लेकिन ममालिक का पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का पड़ोसी पाकिस्तान रहेगा जब तक दुनिया है, और पाकिस्तान का पड़ोसी हिंदुस्तान ही रहेगा। तो अगर लड़ लड़ के दोनों गरीब हो रहे हैं, जंग तो गुर्बत ही लाती है, चाहे आप जंग जीते या हारे, जंग के नतीजे में गुर्बत ही फैलती है, इकोनॉमी तबाह हो जाती। दोनों ममालिक में जब ये रियलाइजेशन, मैं सभी सूरतों में समझा रहा कि ये रियलाइजेशन, ये समझ आ जाए सबको, तो ऐसे लोग जो जंगी जुनून हिंदुस्तान के अंदर फैला रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनको फिर ये डिस्करेज करेंगे। और ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लें कि पार्लियामेंट के अंदर ही सब कुछ तय हो सकता है।
اگر ہماری سیاستدان مخلص ہوں، صحیح ان کی ذہنی کیفیت صحیح ہو، توڑ پھوڑ تو غیر ملکی ایجنڈا ہے بھائی، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کسی بھی ملک کے اندر۔ کوئی سیاستدان جب توڑ پھوڑ کی سیاست شروع کرتا ہے تو اسے باہر سے کسی نے اسائنمنٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ یار ان کو ویک کرو، ہم نے اٹیک کرنی ہے اور کمزور کرنا ہے اندر سے، تاکہ اتحاد پارا پارا کرو گے ہم بھی آرام سے کیپچر کرو۔ تو خلا کا من کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں، چاہیے باز رہے ان کی اپنی بہتری اسی میں ہے، پاکستان کی اتنا کمزور ملک نہیں ہے، اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں، اور جو بھی غلط کیا گیا ہے اس کو یہ لوگ اگر اپنے عمل سے درست حرکت کریں تو ہم مان جائیں گے کہ یہ صحیح ہے، نہیں کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ جو سینسٹیو ایجنسی نے کنکلوڈ کیا ہوا ہے میں اس کو فردر ویریفائی کروں کہ ہاں یہی ہے، کہ کوئی بھی ہم لوگ ان کی ذات کے اپنی نوکری ہم لوگوں کی اور بالکل کوئی، یعنی ہم میں نے تو اپنی تنخواہ میں سے غریب لوگوں کا حصہ رکھا ہوا تھا، سب کو دے رہا تھا، کرپشن کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا، اور اپنا کام بھی میں اس طرح سے کر رہا تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس کا کریڈٹ وہ لے، تو اسٹینڈرڈ کا کام بھی کیا ہے، اس کے لیے میری ٹریننگ کی اتنی مجھے ایجوکیشن فیملی نے اپنی دلوائی ہے، تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جو میرے ساتھ سلوک ہو رہا ہے کوئی اس کی قانونی وجہ ہو، میں نے کوئی خطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی میں پبلک میں نہیں گیا، میرے کولیگس بہت ہی انسسٹ کر رہے تھے، لیکن وہ روایتی راستے ہیں۔ مجھے ایک طرح سے موقع مل گیا اس تمام ملک کی صورتحال کو، خطے کی صورتحال کو، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس، ریویو کرنے کا اس پورے 2-3 سال، اور میں نے باقاعدہ ریسرچ شروع کر دی کہ آخر کریں گے کیا جب لیگل سسٹم فیلیور ہو، جہاں پر ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو ہے تو کولیپس ہو جائے، اور آفیسز میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کے پاس نہ ڈگریز ہیں نہ کچھ، اور وہ آپ سے بہت اوپر خود کو تصور کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے اقتدار میں، سیاست میں گھس گئے ہیں، پارلیمنٹ میں گھس گئے ہیں، اور بڑی بڑی رقوم وصول کر رہے ہیں بغیر کام کیے، پارلیمنٹ کو چھوڑ کے لوگوں کے فریڈم آف موومنٹ کو کرپ کر رہے ہیں، سیٹنگز کے ذریعے اٹیک کر رہے ہیں گورنمنٹ بلڈنگس پر۔ اس کے اب قصور میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے غالب بڑے سمجھدار بندے ہیں، اس بچے نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی سرکاری امداد کی امداد کو نقصان مت پہنچاؤ، سینسٹیو ایجنسیز نے کہہ دیا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب سیاست دان صاحبان اس پہ اپنی کھیر پر تھنے پہ تل گئے ہیں، جو باہر سے ان کو ایجنڈاز ملے ہوئے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، اور جو سیاستدان یہ کر رہے ہیں ان کا پارلیمنٹ کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، پہلے بتا دیا حاضری نہیں، جس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پرائم منسٹر کو، وہ صاحب بھی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دی ہوں میں پسند نہیں کرتے کہ آتے ہی نہیں، جمہوریت میں تو ہر کوئی جواب دہ ہوتا ہے، آنسریبل ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کے سامنے پرائم منسٹر آنسریبل ہوتا ہے، زیادہ کوشچنز ریز کیے جاتے ہیں، جواب دینا پڑتا ہے، اگر یہ آسپیکٹ نکال دیا جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے، اور یہ لوگ اس لیول پہ کہاں جا سکیں گے جو میں ان سے توقع کر رہا ہوں کہ پارلیمانی جمہوریت ریپلیس کر کے پریزیڈینشیل سسٹم لائیں، تاکہ وہ فیڈریشن کی اسپرٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو۔ وہ
इतनी एक्सपर्टाइज करिए लोग जुनून में मुब्तला, लोग इक्तदार के जुनून में के घर तबाह कर रहे हैं, बीवियों को डिवोर्स कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मुल्क की हुकूमत जरूर कायम करनी है, जिंदगी हराम करके जुनून है भाई, कोई नॉर्मल इंसान में ऐसा कर सकता है। अपने आप को कंट्रोल करें, सही रास्ते पे लाओ। जो लोग आपको इस तरह गलत मशवरे देते हैं वो आपके दुश्मन हैं, कभी दोस्त नहीं हो सकते। पता है कि पढ़ लिख आपको पता है कि आप जब भाई की खिलाफ वर्जियां करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जियां करेंगे, अल्टीमेटली आपके साथ क्या हो। तो हम लोग जो सभी इन चीजों में लिखते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, हम आपके दुश्मन तो आपके वो है जो आपको गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। और किसियों का जाम भी देख लें जिन्होंने ये किए, आवाम को बेवकूफ बनाया, आइन की धजियां उड़ाई, उनका क्या अंजाम हुआ। I wish all the best to all of you.